भारत जोड़ो भारत जोड़ो। जोड़ो 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 भविष्यकागी भारत जोड़ो भारत जोड़ो 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 भविष्यकागी भारत जोड़ो भारत जोड़ो। ए आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। हमारे साथ पीएच निरल खेरी सर है और ये जो है कांग्रेस के सर तरफ से जो है स्टेट के स्पोक पर्सन है और ये हम इनसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये यात्रा कर्नाटका में 21 दिन रुकने वाली है। जो इस पूरे जो यात्रा चलेगी 150 दिन, उसमें सबसे ज़्यादा दिन शायद जो है कर्नाटका में रुकने वाला है। चुनाव भी है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे यात्रा को लगातार जो है हिंदू मुसलमान का रंग देने का कोशिश किया, एंटी नेशनल बताया, फिर उसके बाद इस यात्रा को भारत तोड़ो बताया, फिर उसके बाद जो है राहुल गांधी को लगातार कहा गया कि उनको रिवाइव किया जा रहा है, वापसी की जा रही है पॉलिटिक्स में। तो सर ये बताइए कि जितने दिन से यात्रा आप लोगों का यहाँ शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी का, क्या सच में यहाँ के जो राजनीतिक माहौल है वो पूरे बदले रहे हैं? ऑलमोस्ट 34th डे आई थिंक 36th डे सॉरी। अच्छा, द गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर द कर्नाटका पब्लिक आर प्रो भारत जोड़ो, प्रो भारत जोड़ो। सो क्यों बीजेपी के लोग लगातार ब्लेम लगा रहे? नहीं नहीं नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, दो पीपल का माइंड एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो रिलीजन, अनएम्प्लॉयमेंट, देर आर हाइडिंग द मेजर इशू रिगार्डिंग द पब्लिक। They are concentrating their only religious issue. They are division the people mass. Now Rahul Gandhi netrat mein ye jatra chal rahe na, wo theek message tha bharatiyon ko aur Karnataka walon ko, ye jati jati mein divide karne ka आगे पहले नहीं चलता। इसके ऊपर कमिंग इलेक्शन 2023 and 2024 पीपल आर डिसाइडिंग, पीपल आर वाई डिसाइडिंग, दे आर मोस्ट डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, GST, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेजरली प्राइस राइजिंग। द मिनिमम ऑल एसेंशियल कमोडिटीज आर टोटली 30-40 टाइम्स एक्सपोज। कांग्रेस ऑलवेज इन फेवर ऑफ पब्लिक ओनली, वॉट पब्लिक नीड नाउ बिकॉज ऑफ प्राइस राइज मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिस्टर्ब्ड। डेफिनेटली इफ राहुल गांधी बिकम ए प्राइम मिनिस्टर द टोटल पॉलिसीज आर इन फेवर ऑफ द पब्लिक। बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दें कि ये कांग्रेस की जो है बहुत कह सकते हैं कि बहुत लड़ाकू नेता, क्योंकि इन्होंने गाना लिखा है कि जोड़ो 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 भारत जोड़ो भारत जोड़ो, और इसी की वजह से ये चूंकि कर्नाटका में है और लगातार जो है डिबेट करती हैं जाति स्पोक पर्सन बन के। मगर आज ये बताइए कि पहले गाना सुनाइए, क्या आपने लिखा और क्या गाया, क्योंकि आप पूरा कर्नाटका में आपका गाना बज रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शैलजा हिरेमठ है, मैं KPCC स्पोक पर्सन हूँ। जोड़ो 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 भविष्यकागी भारत जोड़ो भारत जोड़ो 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 भविष्यकागी भारत जोड़ो भारत जोड़ो। ये मैं ही लिखी हूँ, मैं ही गाई हूँ और एक गाना है हेज्जे हाकोणा नाउ हेज्जे हाकोणा। ये दोनों गाना है ना स्पेशली मैं ये यात्रा के वास्ते बनाई थी। मैं हेज्जे हाकोणा का मतलब क्या है? हेज्जे हाकोणा मतलब हम भी स्टेप्स डालेंगे राहुल के साथ, ऐसा मतलब हो जाता है। साथ साथ में सभी मिलके उनके साथ चलेंगे, वैसा। अच्छा, तो ये बताइए, गाना को तो बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो लोग पूछ रहे हैं कि आप ही ने गाया भी है, तो लोग पूछ रहे हैं कि ये देखिए हमारी सिंगर जा रही है जो इस पूरे यात्रा का गाना डिजाइन किया। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले से भी बहुत 2-3 साल से भी मैं मेरे फेसबुक में लिखते आती थी। मैं पूरा इंडिया में अगर मोदी को एक उनको क्या तो भी जवाब देना एक मर्द है बोले तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, कंप्लीट इंडिया का अप्पू है वो। अप्पू मतलब इधर क्या हो जाता, सबको लगाने वाला, सबको लगा गले लगाने वाले को अप्पू बोलते हैं हम।
वो पप्पू नहीं है, पप्पू बोलने वाले कौन है ना, वो पप्पू बन गए आज ये यात्रा देख के। उस वास्ते सभी ये यात्रा तोड़ने के वास्ते क्या क्या मदद करना, मेहनत करना सभी कर रहे हो, फिर भी यात्रा चलेंगे, कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो ये आपने जब गाना लिखा तो कितना सपोर्ट मिल रहा है, लोग क्या क्या आपको रास्ते में मिलके बोलते हैं थैंक यू? बहुत सपोर्ट मिल रहा हूँ, मैं इतना फेमिलियर हो जाता बोल के मैं ही खुद नहीं समझी थी, क्योंकि 30 गाना थे केपीसीसी से, मैं भी मेरा कोशिश करी थी, मगर लोगों इसको अपनाया, इज्जत दिए, गला लगाया, वही बड़ी बात है। तो दो गाना आपका सिलेक्ट हुआ, तो राहुल जी इस गाने को सुन रहे हैं तो कुछ आपसे मुलाकात हुई इस गाना को लेकर? नहीं, मेरे को नेट्टा डिसोजा मैडम ने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में गाने के लिए बोले है, ये यात्रा होने के बाद गा के उनको भेज दूंगी मैं हिंदी ट्रांसलेट करके। योगेंद्र यादव जी भी एक कैंप में मुझे हमें सिखाओ बोल के बोले है, सिमिलैरिटी है हिंदी भी कन्नड़ा भी, हमें भी सिखाओ बोल के बोले है, मगर मैं जाने के बाद हिंदी में ट्रांसलेट करके गा के भेजूंगी मैं। अच्छा, तो इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना स्पिरिट है लोगों में, क्योंकि लोग इतने धूप में आ रहे हैं, चल रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, आप ही देख रहे हैं ना क्या किलोमीटर। अब हम राहुल जी के आगे हम 3 किलोमीटर आगे है, फिर भी आप लोगों को देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेने वाला पैसे लेके नहीं आए हैं, देके नहीं लेके आए हैं, उन्होंने इधर ठहर के उनको देखने के लिए इंतजार करना बोले तो उनको उन्होंने अपनाया है, उस वास्ते उन्होंने इंतजार। अपने लिए प्राउड मोमेंट करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल यात्रा है और आपका दो गाना सिलेक्ट हुआ, वो तो बहुत बड़ी बात है। मेरा बेटा भी वही बोल रहा था, लंदन में है, कल फोन पे बोल रहा था, क्या बोल रहा था बोले तो सभी उन्होंने उधर बोल रहे थे हमारा मम्मी राहुल के साथ चले हैं, हमारा मम्मी का गाना हिट हो गए बोल के, इसने इसके भी बड़ी बात क्या हो सकती है एक माँ के वास्ते। वो भी एक सेक्युलर माइंडेड वाली मैं हूँ, पैदा सेक्युलर माइंडेड भाई, मरते दम तक सेक्युलर माइंडेड भाई। आप भाजपा अगर आपको टिकट दे दे विधायक एमपी का तो नहीं जाएंगे छोड़ के? प्रिंसिपल है, मैं बिखाव, मेरा प्रिंसिपल बिखाव के लिए नहीं रखी मैं। अच्छा। कि मोदी आके मुझे बुलाए तो भी मैं नहीं जा सकती हूँ। अच्छा, ऐसा गारंटी ले ले। पिछले 10 दिन में मेरे एक MLA आए थे, 20 लोगों को हमारा जात वालों को लेके, हाँ। निगम मंडल का अध्यक्ष देते बोल के कर्नाटक वाले, हाँ। मैं बिलोंग्स टू लिंगायत कम्युनिटी वाली हूँ मैं। अच्छा। फिर भी वही बोली मैं, हाँ। मोदी आए तो भी नहीं आती बोल के। ठीक है, सर आप कहाँ से? मैं इधर धारवाड़ से, धारवाड़ से। कितना दूर है यहाँ से? धारवाड़ इधर से कम से 2-2.5 किलोमीटर है। 2-2.5 किलोमीटर। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी चल रहे हैं, तो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इस सड़क पे शायद कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि राहुल जी आएंगे कभी। हाँ ठीक है, हम बहुत खुश है, हम राहुल गांधी के साथ उनका साथ मिल के चल रहे हैं, बहुत खुश है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।